देव सवितर दुरीता परासु यद्रम ओम शांति 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 संपूर्ण संसार में संसार के जो भी विवेकी जानी धीर गंभीर विद्वान होते हैं वो परमात्मा से एक ही कामना करते हैं कि हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं दुर्व्यसन है दुर्व्यवहार है, है वो दूर हो जाए और ऐसा ज्ञान का पान ऐसे अमृत का रस स्वादन हम करें जो हमको तत्व की ओर ले जाए हमारे जीवन का उत्कर्ष करे, इस जगत का उत्कर्ष करे। इसलिए वेद का स्वाध्याय हमारे लिए परम आवश्यक है बहुत ही महान ज्ञान है वेद और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना सभी आर्यों का श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है ऐसा ऋषि परंपरा से हम यदि सीखते हैं उसे शिक्षा लेते हैं तो निसंदेह है, हमारा कृतित्व व्यक्तित्व तो दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा माता पिता गुरु आचार्य जितने भी संसार में हमारी उन्नति चाहते हैं जितने लोग हमको संस्कारित करके इस संसार की सेवा के योग्य बना देते हैं उनके प्रति हमारी पूरी कृतज्ञता होनी चाहिए पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए एक तो वह परम पिता परमेश्वर हैं परम माता है जगत माता है वो जगत जननी है और एक स्थूल शरीर जिससे जन्म लेता है तथा विद्या से युक्त करता है जो उसके प्रति भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होता है और जो इस कर्तव्य को ठीक ठीक निभाता है ऐसा साधक ऐसी संतान वास्तव में महान होती है उस भगवान की कृपा हमारे ऊपर है कि हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति को अपना रहे हैं आज का बहुत ही सुंदर मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा चौहत्तरवें सूक्त के नववे मंत्र का ऋग्वेद के प्रथम मंडल का चौहत्तरवां सूक्त जो हम स्वाध्याय कर रहे थे पिछली कक्षाओं में से आज उसका चौहत्तरवें सूक्त का अंतिम मंत्र है और ज्योतिर्मय शक्ति की कामना इस मंत्र में की गई है ज्योतिर्मय शक्ति का आधान कब होगा उसके लिए बहुत ही सुंदर मंत्र हमको यहाँ प्राप्त हुआ है एक बार इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर मंत्र है उच्चारण करेंगे इस प्रकार से ओम ओतद्वत्वीय वृहदग्नि विवा ससी देवेभ्यो देव ओम ओतद्युमत सुवीरियम वृहदग्ने विवा ससी देवेभ्यो देवदाशुषे ओम द्विमत्सुवी वृहदग्ने विवाससी देवेभ्यो देवदाशुषे बहुत ही सुंदर मंत्र है और बहुत ही सरल सरस है कहा कि हमारे जीवनों में हमारे आयुष्य में पितृदेवो भव आचार्य देवोभव देवो भव, देवो भव का जो समावेश है जो उपनिषदों की शिक्षा है जो वेदांत कहलाते हैं उनका ये उद्घोष है ये निनाद है कि हम जो जन्म देने वाली माता है जो जन्मदात्री है जो हमको सबसे पहले संस्कार देने वाली है सबसे पहले इस धारा पर अवतरण कराने वाली है वो हमारी माँ देवता होती है वह अपने खून से हमको सींचती है हमारे धमनियों में हमारे नसनाड़ियों में जब तक हमारा जीवन है तब तक उसके संस्कार और उसके खून से हम युक्त होते हैं हमारे संपूर्ण शरीर में नस नाड़ियों में उसका ही खून दौड़ता रहता है उसका ही रक्त दौड़ता रहता है तो ऐसी माँ जो अपने खून से हमको सींचती है उससे बड़ा देवता कौन हो सकता है देवता वो होता है जो कुछ देने वाला होता है तो माँ सबसे बड़ी देवता है और वो उसको प्रथम गुरु भी कहते हैं माता आचार्य होती है और उसके आचरण से संतान जितना सीखता है चाहे पुत्री के रूप में या पुत्र के रूप में कोई भी संतान हो माँ से जितना संस्कार जितनी शिक्षा बच्चे ग्रहण करते हैं उतना संसार में किसी से ग्रहण नहीं करते हैं उसका ज्ञान स्वाभाविक हो जाता है उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो आजीवन कभी उसको भूल नहीं पाता है इसलिए मां का दिया हुआ जो ज्ञान है वो शमशान तक भी जाता है अर्थात कहने का आशय क्या है व्यक्ति की अच्छाई और बुराई संसार में रह जाती है और अच्छाई बुराई का सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व तो है वो मां के पास होता है अच्छा संस्कार होगा अच्छा गुण से संपन्न व्यक्ति होगा तो मृत्यु होने पर भी शमशान में भी लोग जाते जाते अंतिम विदाई देते देते उसको अंत्येष्टि उसकी अंत्येष्टि क्रिया करते करते उसकी प्रशंसा गान करने में कभी कोई संकोच नहीं करता कि यह व्यक्ति कितना अच्छा था इसके कितने अच्छे संस्कार थे इसका व्यवहार कितना दिव्य था किसके कारण मूल में यदि हम जाएंगे तो मां इसलिए कहा सबसे पहले ऋषियों ने मातृदेवो भव कहा पितृदेवो भव तो कह सकते थे आचार्य देवो भव कह सकते थे लेकिन नहीं यह भारत भूमि है ये ऋषियों की भूमि है इसलिए कहते मातृदेवो भव नार्यस्तु तो नारस नारी जो है यत्र पूजेंते रमनते तत्र देवता ये बात कही है कि नारी का जहां सम्मान है जहां मातृशक्ति का सम्मान है वहां देवता वास करते हैं क्योंकि मां स्वयं साक्षात देवता होती है लोगों ने क्या क्या, क्या कहा मातृशक्ति के लिए मध्यकाल में तो इतनी दुर्दशा हो गई मातृशक्ति की जिसने जन्म दिया जिसने संस्कार दिया और उसी को अपमान बदले में लोगों ने दिया लेकिन भारतीय जो परंपरा ऋषियों की जो परंपरा है मातृशक्ति को सबसे ऊंचे रखा सबसे ऊपर उसका अस्तित्व रखा इसलिए यहां पर सबसे पहले मातृदेवो भव कहा हमंते तत्र देवता की बात कही यत्र जहां पर नार्यस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वहां देवता बन जाते हैं क्योंकि मां देवता स्वयं है और जो देवता है वो देवता ही जन्म देती है जो जैसा होता है वैसे ही संस्कार दूसरों को बांटता है तो मां तो जन्म देने वाली है मां संस्कार देने वाली है मां जीवन देने वाली है इसलिए उसकी संतान भी वैसी बनती है अतः माता निर्माता भवती कहा है मां निर्माण करने वाली होती है मां यदि अपने अस्तित्व को पहचान करके कार्य करती है ज्ञान से युक्त होकर के कार्य करती है वैदिक परंपरा का निर्वहन होकर के कार्य करती है तो उस मां से बढ़कर के कोई ब्रह्मा नहीं हो सकता है उस मां से बढ़कर के कोई निर्माण करता नहीं हो सकता है उस माँ से बढ़ करके कोई हमारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता है इसलिए माओ माताओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं वेद का साक्षात उपदेश है कि आठ वर्ष तक अर्थात पांच वर्ष एक वर्ष से लेकर के पांच वर्ष तक माता का जो स्थान है वो आचार्य के रूप में है एक वर्ष से पांच वर्ष तक माताएं शिशु को सबसे ज्यादा शिक्षा देती हैं और उस सबसे गहरा प्रभाव उसके मनोमस्तिष्क पर पड़ता है इसी प्रकार से जब तीन वर्ष और बचते हैं तो आठ वर्ष तक पिता उसको शिक्षा देता है आठ वर्ष के बाद जब वो गुरुकुल में जाता है आचार्य कुल में जाता है तो आठ वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक कम से कम आचार्य उसका देवता होता है अतः जब व्यक्ति अलग अलग कर्तव्यों के पालन में जाता है अर्थात किसी को यदि ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है तो वो तो अलग बात है नहीं तो 25 वर्ष के बाद जब वह गृहस्थ में जाता है तो वहां पर उसका उत्तरदायित्व होता है कि जो भी उसके घर में आए उसकी वो सेवा करे इसलिए उसको कहा आचार्य देवो भव के बाद अतिथि देवो भव एक से पांच वर्ष मातृदेवो भव पांच से आठ वर्ष तक पितृदेवो भव और आठ वर्ष से पच्चीस वर्ष तक आचार्य देवो भव तदुपरांत यदि गृहस्थी में व्यक्ति जाता है तो उसके लिए अतिथि देवो भव भारतीय परंपरा में राष्ट्र की सेवा भी सबसे महनी सेवा बताई है इसलिए पतंजलि योग पीठ तथा परम स्वामी जी महाराज का जीवन आचार्य श्री का जीवन राष्ट्र के लिए है हम सबका भी उत्तरदायित्व तो है कि हम अपने राष्ट्र के लिए समाज के लिए कुछ करें हम ऐसी गुरु-शिष्य परंपरा के सच्चे निर्वाहक बने निर्वहन करने वाले बने जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए स्वदेश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया यह ऋषि परंपरा है महर्षि देव दयानंद जिनका जीवन अपनी भारतीय संस्कृति ऋषियों की संस्कृति राष्ट्र के गौरव के लिए तथा जो वेद वेदांग हैं ऐसी परंपरा का पुनरुत्थान उन्होंने किया यह हमारा सौभाग्य है ऋषि नहीं होते तो शायद आज हम वेद नहीं पढ़ पाते वेद सुन नहीं पाते ये तो उनका ये संसार ऋणी रहेगा हमेशा सौ बार जन्म लेंगे सौ बार फना होंगे एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे सौ बार जन्म लेंगे तो हम सैकड़ों बार जन्म लेंगे तो भी उनके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते तो यहां वेद मंत्र की चर्चा हम कर रहे हैं कहा कि देवेभ्या देवताओं के लिए दासुषे अपना अर्पण करने वालों के लिए हे अग्नि हे अग्रणी देव दिव्य गुणों से युक्त दिव्य गुणों के आधान कराने वाले प्रभो आप वृहत वृद्धि के कारणभूत हैं और उत और दुमत ज्योतिर्मय सुवीर्यम उत्तम शक्ति को विवाससी प्राप्त कराते हैं बहुत सरल अर्थ है देव दिव्य गुणों से पुंज जो हैं वो आप वृहत् जो वृद्धि के कारणभूत हैं उत्तुमत ज्योतिर्मय सुवीरियम उत्तम शक्ति को विवाह शशि प्रदान कराते हैं प्राप्त कराते हैं शक्ति के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है जहाँ शक्ति है वहां उन्नति है और शक्ति का सदुपयोग हो तब उन्नति है नहीं तो दुर्गति है शक्ति का दुरुपयोग यदि हम करेंगे दुर्गति हमको मिलेगी उन्नति नहीं मिलेगी हम अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे अतः सदगति को प्राप्त हो उन्नति हमारे शक्ति में निहित है जानपूर्वक शक्ति का उपयोग करने से सदुपयोग करने से उन्नति होगी और दुरुपयोग करने से अवनति होगी अर्थात यदि अवनति का ह्रास करना है तो जान पूर्वक, विवेक विवेकपूर्वक शक्ति का संचय करके उन्नति करते जाएं यह शक्ति प्राप्त उसी को होती है जो माता पिता आदि देवों के प्रति अपना अर्पण करके चलता है उनकी आज्ञा का पालन करता है उनके निर्देश में चलता है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ज्योतिर्मय बना लेता है शक्ति प्रदान कर लेता है अर्थात शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है उस परमपिता परमेश्वर से और ये जो हमारे देवता हैं सच्चे देवता हैं उनकी सेवा श्रश्रूषा से उनके प्रिय आचरण से माता पिता गुरु आचार्य की आज्ञा पालन करने से व्यक्ति शक्ति संपन्न हो जाता है हर प्रकार की उसको शक्ति मिलती है संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है इसीलिए कहा अभिवादन शीलास से नित्यं वृद्धोपसेविना चतुवारित तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम संसार में माता-पिता गुरु आचार्य और अपने से जो भी जान में बड़े हैं जो भी आयु में बड़े हैं हम उनका सदा सम्मान करें उनके लिए सदा समर्पित भाव से सेवा में लगे रहें उनकी आज्ञा का पालन करते करते उनकी सेवा सुशुषा करते करते हमारी आयु बढ़ जाती है हमारी यश कीर्ति विद्या बढ़ जाती है और हमको एहसास भी नहीं होता है निरहंकार भाव से निर्द्वंद्व भाव से हम सतत वृद्धि को प्राप्त होते हैं ज्योतिर्मय जीवन के लिए उज्ज्वल जीवन के लिए इनका प्रिय आचरण इनका संग इनका आशीर्वाद इनका हर प्रकार से जो वरदान देने का जो स्वभाव होता है वो अपने आप वरदान मिलते रहते हैं लेकिन उसके लिए हमको सुपात्र बनना पड़ेगा सुपात्र में ही भिक्षा मिलती है कुपात्र में नहीं मिलती है इसलिए सुपात्र बनने का प्रयास करें हम माता पिता देवों के प्रति अपना अर्पण करने के लिए सदा तत्पर रहें सब कुछ और इस अर्पण के द्वारा इस सच्चे समर्पण के द्वारा ज्योतिर्मय प्रवृद्ध शक्ति को हम प्राप्त करें शक्ति सम्पन्नता से व्यक्ति का सामर्थ्य और संसार में समाज में उसका सम्मान बढ़ जाता है इसलिए हम परमात्मा का जो सबसे बड़ा पिता है पिताओं का भी पिता है और वही माता पिता के रूप में हमको अच्छे संस्कारों के लिए ऐसी व्यवस्था करता है कि जैसी जिसकी भावना होगी जैसे जिसके संस्कार होंगे वैसे उसको माता पिता मिल जाते हैं इसलिए ऋषि ने लिखा मातृमान पितृमान आचार्यवान वेदा। संसार में उससे बढ़कर के कोई सौभाग्यशाली संतान नहीं होगी जिसके माता पिता और गुरु धार्मिक हों अर्थात धर्म के विज्ञाता हों धर्म के मर्म को समझने वाले हों संस्कार के मर्म को समझने वाले हों इसलिए उस परमात्मा की भी हम कभी भी अवहेलना ना करें उसकी प्रेरणा से सदा ओत प्रोत रहें उसके आज्ञा के अनुसार वेद की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो जीवन में हमको बहुत कुछ मिलेगा कहा है दया मैं देव सुखदाता पिता तू ही हमारा है तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई हमारा है दया मैं देव सुखदाता पिता तू ही हमारा है कृपा कर के कृपा सागर हृदय में तू हमारे आ प्रकाशक पाप नाशक तू तू ही सबका सहारा है दया मय देव सुख दाता पिता तू ही हमारा है अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा हमारे पा हमारे पर दया कर दे तुम्ही विश्वधारा है तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है हमको चाह है यश की न कुछ काम न धन की दया का सिंधु हो कर भी न दोगे गर शरण हमको यह परमात्मा की शरण ही सबसे बड़ी शरण है शरणागति को वो कभी भी दुख नहीं देता और दुखों को सहने का सामर्थ्य देता है शरणागति को उबारने वाला है वह परमात्मा जो सबका सहारा है बेसहारों का सहारा है जो निर्धनों को धन देता है विवेकहीनों को विवेक देता है निर्बलों को बल देता है गूंगे को जुबान देता है और बहरे को सुनने का सामर्थ्य देता है पंगु को पर्वत ला लांघने का सामर्थ्य देता है ऐसे पिता का ऐसी उस जगन माता का हम क्यों ना गुणगान करें इसलिए क्योंकि वो सब कुछ देने वाला है हमको और कुछ संसार में नहीं चाहिए पुनः समझने का प्रयास करेंगे न हमको चाह है यश की न कुछ काम न धन की तुझे बस चाहते हैं हम न तेरे बिन गुजारा है दया देव देव दाता पिता तू ही हमारा है दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको तो जाएंगे कहाँ भगवन तू ही सबका सहारा है दया मै देव सुखदाता पिता तू ही हमारा है तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है यदि इस मंत्र को हम आत्मसात करते हैं तो संसार में माता पिता गुरु आचार्य साक्षात उस परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। उसकी प्रतिमूर्ति को हम पा करके अपने जीवन को धन्य नहीं कर सकते तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता इसलिए ये देवेभ्यो देवदासुषे देवताओं के लिए दासुषे अपना अर्पण करने वालों के लिए हे अग्नि जैसे अग्नि जो परमात्मा का उस ईश्वर का देवतक है जो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है वह दिव्य गुणों से युक्त होकर के दिव्य गुणों का आधार कराता है जैसे मां अपने शिशु को अपना निवाला भी खिला देती है चाहे वो स्वयं भूख से पीड़ित हो लेकिन बच्चे को कभी भूखा सुलाती नहीं है नौ माह गर्भ में उसका पालन पोषण करती है उसकी जितना हो सकता है सुरक्षा के लिए नियम संयम करती है ऐसे आहार और ऐसे विचार को ग्रहण करती है कि उसकी संतान को कोई हानि ना हो और जन्म देने के बाद भी जब तक हम अपने पैरों में खड़े नहीं होते हैं तब तक सतत हमारा भरण पोषण करने के लिए कटिबद्ध रहती है संसार में ऐसा कोई हितैषी नहीं है और वैसे भी जो पिता होते हैं पिता अपने संपूर्ण जीवन की जो कमाई है जो खून पसीने की कमाई है उसको भी सहज रूप में बच्चे को संतान को पुत्र पुत्री को दे देते हैं गुरु भी अपने पूरे जीवन की जो विद्या है वो पूरा समर्पित कर देते हैं अतिथि भी जो संसार में घूम घूम करके समाज में घूम घूम करके जान अर्जित करता है वो भी हमको दे देता है इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहते हैं दिव्यता से भरना चाहते हैं तो इन देवों का सदा सम्मान करें कभी अपमान न करें तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही।